3 है एंड कल जब हम लोग घूम के आए उसके बाद मेरा इतना ज़्यादा सर दर्द कर रहा था और मेरा आईज देखिए पूरा फुल गया है बिकॉज ऑफ द विंड, जो ठंडा हवा आ रहा था ना सी में उसके कारण से, और इतना ज़्यादा मेरा सर दर्द कर रहा था और वोमिटिंग पे वोमिटिंग, तो इतना ज़्यादा थक गए कल हम। आज हम लोग जाएंगे भुवनेश्वर का साइट सीन करने के लिए एंड थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो रहा है वीडियो क्योंकि मैं सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तो उसके कारण से वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। आई होप आप लोग को बोरिंग नहीं लग रहा होगा एंड देखते रहिए। अगर आप रात को देख रहे हैं या फिर शाम को देख रहे हैं तो पॉपकॉर्न लेके जूस लेके देखते रहिए। और फिर हम लोग इतना ज़्यादा है ना कि सबका कुछ ना कुछ दिखाते दिखाते थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है वीडियो। सो आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है एंड पूरी टूर अच्छा लग रहा है, हम लोग को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ का जो पीपल्स है, यहाँ का जो आदमी लोग है वो काफ़ी हेल्पफुल है, हम लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते, बट लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, लैंग्वेज कुछ भी समझ में नहीं आता है यहाँ पर क्या बोल रहे। ऑब्वियसली होता है कोई भी न्यू स्टेट्स में जब हम लोग जाते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम, बट ऐसा है ना कि किसी को हिंदी समझ में नहीं आता है। थैंकफुली हम लोग को बंगाली आता है तो बंगला में बात करके हम लोग कुछ ना कुछ हल निकाल लेते हैं। किसी को हिंदी नहीं आता है तो किसी को बंगला समझ में नहीं आता है। तो आज मैं ये आउटफिट पहन के जा रही हूँ क्योंकि जो मेरा शू था वो एकदम गंदा हो गया है। पूरा व्हाइट कलर का शूज होता है वो पूरा गंदा हो गया, तो मैंने धो के वहाँ पर वॉश करके मैंने वहाँ पर रख दिया है। आई होप कल तक वो सूख जाएगा। एंड आज मैंने ये आउटफिट पहना है, ये भी कंफर्टेबल है। अगर सी बीच में जाना है तो मैं आज पहले ही शू खोल दूंगी क्योंकि कल सडनली से वो पानी आ गया ना तो मेरा पूरा का पूरा कपड़ा खराब हो गया। तो चलिए फिर जाते हैं, गाड़ी आ चुका है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं। बनाना लो भैया हम लोग को लेके जा रहे चंद्रभागा बीच। ये पापा तो देख ही नहीं रहे। तो अभी हम लोग जा रहे चंद्रभागा बीच, उसके बाद फिर एक एक करके हम लोग को बताएंगे कि कहाँ कहाँ जाएंगे। तो आज काफी सारा मंदिर एक्सप्लोर करने वाले हैं एंड जो भी है वो भी एक्सप्लोर करेंगे। तो Stay tuned with me. तो फ्रेंड्स ये वाला जो ये चंद्रभागा बीच है यहाँ से सनराइज होता है। इसमें हम लोग गाड़ी नहीं रुके, टाइम वेस्ट हो जाएगा बोल के। फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पर नाश्ता करने के लिए रुके। अभी नाश्ता करेंगे हम लोग एंड आफ्टर दैट वी विल गो इन द कोणार्क। तो फ्रेंड्स मम्मी लोग ने पूरी सब्जी मंगवाया है और मेरे को पूरी डाइजेस्ट नहीं होता है तो मैंने आलू पराठा मंगवाया है एंड पापा लोग खा रहे हैं एंड सबको पूरी सब्जी मंगवाया है, बट मैंने और सोनू ने आलू पराठा एंड छोला भटूरा मंगवाया है। तो अभी आ रहा है। सो ये देखिए छोला भटूरा, वेरी नाइस हो। दो भटूरा है, छोला है, उसके बाद सैलेड है, चटनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरा आलू पराठा आ चुका है। आलू पराठा के साथ एक आलू पराठा कुछ आर्टिस्ट किया हुआ है दाई और उसके बाद सब्जी। सो आलू पराठा काफ़ी अच्छा है, चटनी भी है अच्छा। सो चटनी भी है तो जल्दी जल्दी खा लेते, मुझे इतना खाने का मन कर रहा है, बहुत टेम्पटेशन हो चुका है इसको देखने के बाद एंड भूख भी लगा है। तो फ्रेंड्स ये कोणार्क का बाजार है, कोणार्क मंदिर जो है उसका ये बाजार है। यहाँ से एंट्री मिलेगा, पैदल नहीं चल सकते उन लोग के लिए यहाँ पर व्हील चेयर भी है। 250 रुपीज़ करके लेते हैं एंड यहाँ से एंट्री गेट है एंड हम लोग का काजू। भैया काजू कैसे करके किलो है?
सो फ्रेंड्स यहाँ पर काजू भी है 500 400 450 का रेट में 400 450 500 हिसाब से ऐसा सा तो वो रहा आपको दिख रहा है वो एक नाथ का मंदिर वहाँ तक हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा बट बिफोर दैट वी हैव टू टेक द टिकट फ्रॉम हियर फ्रॉम दिस काउंटर सो चलिए फिर जल्दी से सो फ्रेंड्स अभी मैं सीढ़ी चढ़ के इतना वहाँ पीछे से सीढ़ी है तो वहाँ से सीढ़ी से चढ़ के उसके बाद हम लोग ऊपर आना पड़ता है एंड आप देख सकते हैं पीछे इतना सुंदर एंड ब्यूटीफुल सा कितना सुंदर है कितना सुंदर से बनाया हुआ है ये तो मैं आपको अंदर का भी नज़ारा दिखाने वाली हूँ ना अब हम लोग नेक्स्ट प्लेस पे जा रहे हैं सो लेट्स गो तो फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पर बुद्धा मंदिर आए हैं एंड यहाँ नीचे से सीढ़ी है हर सीढ़ी से चढ़ना पड़ता है ऊपर में है बुद्धा मंदिर और पीछे बहुत सुंदर सा व्यू है क्योंकि बुद्धा मंदिर काफ़ी ऊपर पहाड़ में है तो नीचे का व्यू काफ़ी अच्छा है मैं आपको दिखाऊंगी व्यू यहाँ से व्यू देखिए कितना सुंदर है तो यहाँ पर पहले मंदिर है उसके पीछे बुद्धा मंदिर है मम्मी एंड मामा जा रहे मंदिर के दर्शन करने के लिए तो पीछे की तरफ में बुद्धा का मंदिर मिलेगा काजू गोटा नहीं अढ़ाई सौ टका এটা কি এটা কোনটা মেথি আছে এটা মেথি পাতা এটা দিদি মেথি পাতা আর এই কাজু কত এটা ভাজা কাজু 300 টাকা এটা এটা ঘি ভাজা मम्मी लोग यहाँ पर काजू खरीद रहे हैं यहाँ काजू का प्राइस बहुत कम थी है कंपेयर टू सिलगुड़ी वो नमकीन डाला हुआ है तो फ्रेंड्स यहाँ पर मंदिर है बुद्धा का बट ऊपर काफी लंबा सा सीढ़ी है तो मेरा पैर दर्द कर रहा है हम नहीं जाएंगे तो बस ये जो ऊपर में है यहाँ पर ही है बुद्धा का मंदिर उसके बाद पूरा राउंड मारते एंड नीचे का भी है राउंड मारने का उसके बाद यहाँ से साइड से जा सकते वो यहाँ पर रहो यहाँ पर सो फ्रेंड्स अभी हम लोग लिंगराज मंदिर में आए हैं एंड यहाँ पर फोन अलाउड नहीं है तो अंदर का वीडियो नहीं बना सकते बाहर से देख तो ये है लिंगराज मंदिर अब हम लोग को यहाँ से जाना ही वो रहा पर हम लोग को फ़ोन अलाउड नहीं है अंदर पर्स भी अलाउड नहीं है शू भी अलाउड नहीं है कुछ भी अलाउड नहीं है तो हम लोग फ़ोन यहीं पे रख के जाएंगे तो फ्रेंड्स अभी हम लोग को भूख लगा है तो पहले हम लोग लंच करेंगे ये रेस्टोरेंट है यहाँ पर उसके बाद हम लोग जाएंगे फिर जू तो काफ़ी अच्छा सा है ये रेस्टोरेंट फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लंच मंगाया ये है बंगाली थाली इसमें काफ़ी सारा सामान है जिसका नाम तो मुझे पता भी नहीं है तो ये 150 रुपीज़ का थाली है
सबको थाली मंगाए है। मैं पानी दूसरे जा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ नंदन गार्डन वाला जो जू है वहाँ पर पहुँचे एंड हम लोग का तो अभी ऐसा हुआ कि यहाँ पर बैटरी कार जो है उसका भी फैसिलिटी है एंड मम्मी है एंड मम्मा लोग जो है वो नहीं चल पा रही, इवन हम भी नहीं चल पा रहे, तो हम लोग ने बैटरी गाड़ी कर लिया। 1050 में ये सारा जू हम लोग को घुमा देंगे विथ टिकट। सो अभी हम लोग बैटरी गाड़ी में ही जाने वाले हैं, उसके बाद सारा जू घूमेंगे बैटरी गाड़ी में। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पर स्नेक, क्रोकोडाइल एंड रेप्टाइल वो सब देखेंगे। तो हम लोग ने गाइड पकड़ा है, वो हम लोग को गाइड कर रहे। हाय कहाँ था ज़ूम करो, ज़ूम करो थोड़ा। वो शायद वीडियो मैच से ये देखिए यहाँ पर टॉर्टोइज है, डिफरेंट टाइप का टॉर्टोइज दिख रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा सा खबर खाएगी सोच। हेलो क्रोकोडाइल, ओए ओए उठो उठो उठो। हामी त सुति सुति जाँदैछ, कोही छैन हाम्रो यहाँ जग्गामा, म र मम्मी मात्रै छु। खबर बंद खबर खाते ना आगे आसो देखो अभया सोहिनी, फ्रेंड्स इसका नाम है अभया और सोहिनी नाम है। फ्रेंड्स अभी हम लोग मच्छी देखेंगे एंड बर्ड देखेंगे यहाँ पर एक और में। यहाँ पर भी शार्क है, ये देखिए व्हाइट शार्क, ग्रे शार्क, ब्लैक शार्क, यहाँ पर है ब्लैक शार्क, ब्लैक शार्क, अन्त ब्ल्याकै छ त ऊ हेर झन् कति दामी रहेछ यो छोटो वाले है अरेन्ज कलरको। तो अब हम लोग जा रहे हैं बर्ड देखने के लिए। ये जू काफी ज्यादा बड़ा है, 12 क्या बोला था, कितना 12 एकड़, कितना है 1200 एकड़ है। और इसको पैदल घूमेंगे तो कितना दिन लगेगा? दो दिन लगेगा पैदल में। देखो देखो
नाइट में पूरा डियर पूरा इनको पकड़ के फिर बाघ को देता होगा। तो फ्रेंड्स अब साइलेंट बज गया है, अभी 5 बजा है, तो 5 बजे जू बंद हो जाता है। तो साइलेंट बज गए, तो अभी हम लोग को जल्दी जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा, गाड़ी आएगा हम लोग का लेने के लिए। तो सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप लोग के सपोर्ट एंड आप लोग के प्यार के बिना मेरा फैमिली नहीं बढ़ेगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।